हेलो फ्रेंड्स, आप सबने गाजर का हलवा खाया तो होगा बहुत, लेकिन इजी तरीके से नहीं बनाया होगा। मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ इजी तरीके से गाजर का हलवा बना। और ये देखिए, मैंने कट वगैरह लगा लिया है, इसको छील भी लिया है और मैं इसको वॉश करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसको अच्छे से हम वॉश करेंगे पानी से। ये देखिए, गर्म पानी में मैंने वॉश कर लिया। और ये देखिए, चाय रेडी हुई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। किसको चाय ब्रेड खानी है, आ जाइए प्लीज़, मेरी वीडियो में बने रहिए, फिर मैं आपको बताऊंगी जी तरीके से कैसे गाजर का हलवा बनाते हैं। आइए, किस किस को चाय ब्रेड खानी है। आप कद्दूकस वगैरह करते हैं तो आज मैं कद्दूकस भी नहीं करूंगी और ना ही उबालूंगी मैं इसको। और देखिए कितनी आसानी तरीके से मैं इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। देखिए, ग्राइंड भी करके भी आप गाजर का हलवा बना सकते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनाएंगे। और पता ही है सबको कि गाजर का हलवा सबको ही एक्चुअली पसंद है, तो फटाफट बनाने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। ये स्टाइल कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए, हम कद्दूकस वगैरह करते हैं उससे अच्छा बैटर हुआ है, ये देखिए, है ना अच्छा। ये मैंने खुद घी निकाला है, देखिए कितना अच्छा। अब इसमें हम डालेंगे गाजर का हलवा। गाजर तो लाल लाल होता है लेकिन इसका हलवा बहुत टेस्टी होता है। इसमें हम अब दूध ऐड करेंगे। मुझे तो बहुत इजी लगा और आप भी बना के जरूर देखिएगा, जो मैंने इजी तरीके से बताया बनाने के लिए आप भी बनाएंगे, बहुत खुश होंगे। ये मॉर्निंग के टाइम में बना रही हूँ। और इसके साथ मैं ये देखिए क्या बना रही हूँ, ये मैंने दाल फ्राई बनाई है और ये चोखा बनाने जा रही हूँ, दोनों काम एक साथ। और ये देखिए, मैंने मलाई वगैरह निकाल के रखी थी, मैं इसमें डाल देंगे ना और अच्छा हो जाएगा। शुगर ऐड कर देंगे। इधर मेरा हाथ से बनाया हुआ चोखा भी रेडी हो गया। टमाटर पकाया, इसको वॉश कर लूं। किस किस को चोखा हलवा बनके रेडी हो गया फाइनली। देखिए कलर क्या जबरदस्त आया ना। अब खाएंगे तो उंगलियां चाटते रहेंगे। और मैंने खोया वगैरह नहीं डाला है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें दानेदार की तरह दिख रहा होगा खोया। अगर जो मेरा गाजर का हलवा पसंद आया हो तो मुझे कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और बताइए कैसा लगा गाजर का हलवा। इजी रेसिपी, हलवा खा लीजिए। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ओके, बाय गाइस।